दोस्तों आज मैं फिर महंगे पौधे की कटिंग लगाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा नर्सरी में लेने जाओ ना तो कॉस्टली मिलता है। तो उन पौधों को आज मैं अपने गार्डन में कटिंग से ऐड कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात उनकी जो कटिंग होती है ना, छोटी छोटी कटिंग यानी जो न्यू स्टेम आती रहती है ना, उनसे लग जाती है। तो यहाँ पर मैं आई थी अपने ग्राउंड गार्डन में, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट पहले दिए थे तो उनकी कटिंग लगाई थी। वहाँ से कटिंग ला के मैं फिर से अपने गार्डन में ऐड करी, आज फिर लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को देना है वो प्लांट। तो देखिए ये टिकोमा है ऑरेंज वाला, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं आ रही हो, वो जो मैंने कटिंग से ग्रो करी ना उसमें फ्लावरिंग आ रही है। ये है दोस्तों थनवर्जिया, आप लोग आज देख लीजिए थनवर्जिया का फ्लावर कैसा होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कटिंग लगाई थी, तो उसी की कटिंग यार फिर से मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ये कटिंग अपने फ्रेंड्स को भेजनी है। तो यहाँ पे कुल मैं 6 कटिंग लेकर आई हूँ और सारे फ्लावरिंग प्लांट है, एक थोड़ा सा ऑर्नामेंटल वाले प्लांट है। तो देखिए किस तरीके से एरियल रूट्स वाले अगर हम प्लांट ला के मिट्टी में लगाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4 या 5 इंच की है, तो मिट्टी में डाल देंगे तो आसानी से लग जाएंगी। ये हमारा थनवर्जिया की कटिंग है, तो थनवर्जिया की मैंने पहले से कटिंग लगा के रखी है। और यहाँ पे डहेलिया में लेकर आई हूँ, तो अभी तो सीजन दोस्तों आ गया है ना डहेलिया कटिंग लगाने का, तो ये बल्ब वाले बल्ब से ही, जो बल्ब मतलब पिछले साल के थे मिट्टी में वही वाले में लेकर आई थी। तो यहाँ मैं सैंड में जो रेड वाली सैंड आती है या फिर आप जो बालू रहते हैं उनमें भी लगा सकते हो। इसमें दोस्तों क्या होता है फंगस जल्दी भी नहीं लगता है और जल्दी से कटिंग आपकी ग्रो हो जाती है। तो डहेलिया भी दोस्तों ग्रो कर सकते हैं, विंटर में बहुत अच्छे से खिलते हैं, मल्टीपल पेटल वाले ही हैं क्योंकि जो सीड से ग्रो करते हैं वो सिंगल पेटल ही निकलते हैं और जो बल्ब वाले हैं ना आपको मल्टीपल पेटल वो देखने को मिल जाएंगे। तो कटिंग को आप जब लगाएं इस तरीके से, तो अभी तो इतनी गर्मी है नहीं, कहीं भी रख दीजिएगा इजीली लग ही जाएंगे, लेकिन अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा हो रही है ना तो वहाँ पर कटिंग को आप साइड में रखिएगा, छाया में पानी भी ध्यान से दीजिएगा। तो ये इस कटिंग में दोस्तों पहले से एरियल रूट्स बने हुए थे, इनके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो कटिंग झट से ये लग भी जाएगी। तो मैं इनको पहले फंजीसाइड पाउडर लगा लूँ इस तरीके से ताकि इनमें फंगस वगैरह ना लगे, फिलहाल वैसे लग जाती है। मिट्टी दोस्तों बता दो, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट गार्डन सॉइल मिलाया हुआ है क्योंकि इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इजीली लग भी जाएगी, हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं और मैं बता दूं तो इसको मैं 120 रुपये में लाई थी प्लांट, फिलहाल मेरा अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो मदर प्लांट था मर गया। तो इस प्लांट को ना मैंने 4 लोगों को दिया था, चारों के पास सही है और मैं फिर से उन्हीं से कटिंग ला के ग्रो करी थी, आज फिर से मैं कर रही हूँ। तो ये होता है दोस्तों एक दूसरे को प्लांट देने का फ़ायदा, अगर आपके पास प्लांट नहीं रहता है तो उनसे लेकर आप ग्रो कर सकती हो। और दोस्तों ये एरेंथेमम की वैरायटी है, इसकी वैरायटी थोड़ा सा एक पर्पल वाली भी आती है और ये भी येलो और ग्रीन कलर है आप देख सकते हो, तो इसको भी मैं आज कटिंग से लगाने जा रही हूँ। इजी टू ग्रो प्लांट है, छोटे से स्टेम में अगर आप लेके लगा लेते हो तो लग जाती है। तो इनके लिए भी सॉइल दोस्तों वैसे ही है जैसे कि मैं बताती हूँ कि नॉर्मल सॉइल में चल जाएगा। मैं फंजीसाइड पाउडर लगा रही थी, वीडियो क्लिप थोड़ा सा प्लेन गई होगी तो फंजीसाइड पाउडर ही मैं लगा रही थी। और देखिए इस तरीके से कटिंग इजली मिट्टी के अंदर जो 2-3 इंच रख दीजिएगा आराम से ये लग जाएंगे और छाया में रखिएगा, 2-3 दिन में जड़ें बन जाती हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 वैरायटी इनकी ऐड करी हुई है, ये भी दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, अगर नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 250-250 में प्लांट आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हो जाते हैं ना तो ढेरों सारे प्लांट फ्री में ही बना लेते हैं। तो फिलहाल एक बार मैंने ऐड किया था बट किसी रीजन के कारण वो प्लांट हमारा ख़राब हो गया, अभी फिर से मैं ऐड कर रही हूँ कटिंग से। तो ये भी थोड़े से अच्छे लगते हैं गार्डन में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो मल्टीपल पेटल वाली मधुकामनी होती है, सॉरी मधुमालती आई मीन रंगून क्रीपर, तो इसकी कटिंग देखिए मैं लेकर आई थी, इतनी छोटी सी थोड़ी सी मेच्योर नहीं वाली, सोचा मैंने चलो ट्राई करती हूँ क्योंकि ये कटिंग से लगती ना कि सीड से लगती हैं। तो इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर लगाने के बाद में कटिंग को मिट्टी में दबा देना है, मोटी भी इस टाइम लगती है। तो यहाँ में मतलब क्या होता है ना, जो हम गार्डनर्स होते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सॉरी। तो यहाँ पे मैं फिर से लगा रही हूँ कटिंग, वैसे मैंने कई बार लगाई लेकिन एक बार फिर से ट्राई कर रही हूँ। जब फूल आने रहते हैं पत्तों की ग्रोथ अच्छी होती है ना तो कटिंग ग्रो करें उस टाइम पर इनकी कटिंग 100% लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखी कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी है और यहाँ पे देखिए मेरा थनवर्जिया है, जब मैं लाई थी थोड़ा सा हरे भरे थे, रखे रखे थोड़ी सी पत्तियाँ मुरझा गई हैं। और इनकी भी दोस्तों मैंने पहले भी कटिंग लगा के रखी है, तो कटिंग इनकी ना बिल्कुल न्यू स्टेम लगती है। तो यहाँ पे मैं 2 कटिंग बनाऊँ क्योंकि ज़्यादा लंबी मुझे कटिंग नहीं करनी है, हवा चलेगी ना तो कटिंग ख़राब होने के चांस रहते हैं, यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। तो 2 कटिंग इस तरीके से तैयार हो जाएंगी और ग्रोथ भी दोस्तों यहाँ से हो रही है,
दो तीन जगह से नई स्टेम निकल रही है। तो हम इस तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं तो पत्तियों को एक्स्ट्रा हटा देने, कटिंग हिलने के भी चांस रहते हैं, ग्रोथ भी नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने फंगीसाइड पाउडर लगा लिया ताकि हमारी कटिंग में फंगस वगैरह ना लगे, और इनमें पानी डाल देना कटिंग लगाने के बाद में ताकि इनकी जड़ों में नमी रहे, मिट्टी में भी नमी रहे, कटिंग जल्दी लग जाती है। अगर आपके यहाँ पे धूप हो रही तो शेड में रखिएगा। और वैसे ये जो टाइम अक्टूबर का दोस्तों, तो ये थोड़ी सी मतलब क्या होता है ना, ठंड गर्म दोनों रहता है, तो कटिंग तो ईजी लग जाती कहीं भी इनको आप रख दोगे, और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बस लग जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया हुआ है ये है हर श्रृंगार, जिसको हम लोग परिजात के नाम से बोलते हैं। तो इसकी कटिंग मैंने कई बार दोस्तों लगाई हुई है लेकिन सक्सेस नहीं हुई, फिर से मैं लगाया जा रही हूँ। ये हाइब्रिड वाले इनके फूल है, बहुत बड़े साइज़ में आते हैं, पत्ते देख रहे होंगे आसपास गिरे हुए हैं ना, इनके पत्ते दोस्तों इसे पान के सीप के होते हैं ना वो वाले रहते हैं, और अभी भी खिल भी रहे मेरे गार्डन में लगा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं खिल रहा। मैं फर्टिलाइज़र वगैरह सब दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अच्छे से कटिंग को सेट कर दूँगी ताकि ये लंबी स्टेम है ना तो हिले ना। और कटिंग लगाने के बाद छांव में पानी डाल के रख दीजिए, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कटिंग सक्सेस जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे परिजात की भी कटिंग लग गई है। और ये दोस्तों देखिए, एक मेरे पास मनी प्लांट की वैरायटी, इसका नाम तो नहीं पता बट मनी प्लांट यानी फोटोज की वैरायटी है। कलर वेरिएशन देख सकते हैं, पत्तियों की बहुत ही प्यारी लगती हैं और सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं, कहीं भी इनको आप वैसे घर के अंदर ही लग जाते हैं पौधे, घर के अंदर लगने वाले पौधे हैं। अगर आप सबको इस तरीके के प्लांट पसंद है तो ज़रूर लगाइएगा, और महंगे बहुत आते हैं दोस्तों। अगर हम नर्सरी में लेने जाएंगे तो ये सारे पौधे आपको 120-130 इस तरीके से दो तीन पत्तियाँ निकली रहेंगी, वही आपको महंगे से दे देंगे। और जो हमारे गार्डन में आ जाएंगे ये पौधे तो क्या होता है ना, हमारे पास फ्री में हो जाते हैं। और देख सकते कीड़ों ने पत्तियाँ खा रखी हुई है, तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गार्डन में कीड़े आ गए हैं, दिखते भी नहीं, पता नहीं कहाँ मिट्टी में या पत्तियों के पीछे छिपे रहते हैं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो किसी चीज़ का स्प्रे करेंगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और ये दोस्तों हमारा है खूबसूरत सा सिंगोनियम, तो सिंगोनियम की बेल मुझे लग रही है। स्टार्टिंग में हमने देखा होगा इसकी वीडियो सिर्फ दो तीन पत्तियाँ थी, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ देख सकते हो, एक लंबी सी बेल जिसे मनी प्लांट होता है ना उसी तरीके से होगी। तो फिलहाल इसका दूसरा ही कुछ और नाम है। और पत्तियों की वेरिएशन आप देख सकते हैं, दो कलर वाइट और ग्रीन, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी महंगे प्लांट है, कटिंग से एरियल रूट्स आप देख रहे हो ना, अगर कट करके यहाँ से हम नया पौधा बनाएंगे तो आसानी से लग जाएंगे। तो इनकी भी कटिंग जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो अभी अच्छे लग रहे थे, थोड़े से और बड़े हो जाएँ तब इनकी कटिंग हम मल्टीप्लाई करके लगाएंगे। और किसी को चाहिए तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगी उनको भी मैं दे सकूँ। तो ये भी है हमारा खूबसूरत सा सिंगोनियम, महंगे वाले प्लांट 250 की। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा एग्लोनिमा है, तो एग्लोनिमा को भी कटिंग से लगाते हैं, और जैसे साइड साइड से नए नए पप्स निकलते रहते हैं वहाँ से तोड़ के अगर मिट्टी में हम गाड़ देते हैं ना तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये वाइट वाले हैं, वेरीगेटेड प्लांट, अच्छे लगते हैं। अगर दो कलर पत्तियों में आते हैं तो इनकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी दिखती है। तो एग्लोनिमा की वैसे बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, कटिंग से लग जाते हैं, और कटिंग को लगा के साइड में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। तो इन्हें भी ज़रूर ग्रो करें, महंगे वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जीजी प्लांट है, और ये तो सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। इनकी एक सिंगल लीफ बस आप मिट्टी में दबा दीजिए तो 15-20 दिन बाद या महीने हफ्ते भर में नए नए पप्स निकलने लगती हैं, और ये लकी प्लांट माना जाता है। घर के अंदर आप इन्हें कहीं भी लगा दोगे तो बहुत आसानी से दोस्तों ये ग्रो हो जाता है, तो आप लोग इनको भी लगाना ना भूलें। और ये रूट डिवाइड प्लांट रहे हैं, बल्ब से इनमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं ना, अगर वो रहते हैं तो प्लांट आसानी से चल जाते हैं। केयर की अगर मैं बात करूँ तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं ट्यूबर्स होते हैं उसमें पहले से पानी रहता है। तो एक छोटी सी कटिंग से इनको तैयार कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली आता है, नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 250 में प्लांट मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों हमारा फाइकस है, हाइब्रिड वाले फाइकस हैं, तो ये भी एक लकी ही प्लांट है। इनको भी हम छाया में लगा सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, और फाइकस की से बहुत सी वैरायटी है, वेरीगेटेड भी आते हैं और इस तरीके की गोल्डन पत्तियों वाले भी आते हैं, गोल्डन फाइकस या पांडा फाइकस, स्टार फाइकस के नाम से कई प्लांट रहते हैं, तो इन्हें भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है हमारा रबर प्लांट है, तो ये भी कटिंग से ही लगने वाले दोस्तों पौधे हैं।
थोड़े से कॉस्टली आते हैं ये, 200-250 में प्लांट मिलते हैं, लेकिन सिंगल लीव्स दोस्तों इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप सबको ग्रो करना है कटिंग से तो इन सिंगल पत्तियों से, थोड़ी सी स्टेम रहती दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर दिखा देते किसी पत्ते निकाल के कटिंग, उसमें रूट, तो दोस्तों वो फेक वीडियो होती है, उस पर आप लोग बिलीव ना करिएगा, क्योंकि जब भी इसमें वो क्या बोलते स्टेम रहेंगी ना, तभी इसमें अच्छे से कटिंग रूट्स बनेंगे। अगर सिंगल लीव्स लगाएंगे तो आपकी पत्तियां सूख जाएंगी, तो आप प्लांट को ना वेस्ट करें ना ही अपने समय को वेस्ट करें। जब भी आपने तो इनकी हार्ड रूट कटिंग या सॉफ्ट रूट कटिंग ज़रूर लीजिएगा, सिंगल लीव से प्लांट नहीं लगते हैं, गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करिएगा। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे पौधे, महंगे पौधे जिनको हम कटिंग से गार्डन में लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैंने कुछ 6 या 7 पौधे कटिंग से ग्रो करी, जो कि वीडियो भी शेयर करी मैंने आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो इस तरीके की पसंद आती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी को प्लांट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकती हैं। मैं आपसे शिपिंग चार्जिंग लूँगी और प्लांट का चार्ज दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि प्लांट देना एक अलग सी खुशी होती है। अगर हमारे व्यूवर्स को हमारे प्लांट मिलते हैं तो अच्छे रहते ना कि हमारे प्लांट उनके घर में है, तो ये खुशी रहती दोस्तों। तो मुझे सिर्फ शिपिंग चार्जिंग चाहिए, प्लांट आपको हम फ्री में कटिंग से दे देंगे, जो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो आप हम लोग से कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मेरा जो इंस्टा ID है मैंने अबाउट में ले रखा है। तो ये सारे तो दोस्तों प्लांट जिसकी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, महंगे प्लांट हैं। तो अभी नर्सरी से लेने जाएंगे तो 200-250 किस तरीके के प्लांट मिलते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार अगर आ जाते हैं ना तो गार्डन से जाएंगे नहीं। हमारे गार्डन में इतना वर्जी है दोस्तों, बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है, तो फिलहाल ये ज़मीन में मतलब ग्राउंड में लगा हुआ, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से गार्डनिंग करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।